अभी हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हमीरपुर के ग्राउंड के साथ खड़े हैं और यहीं से जो है माता सिंदूरी के लिए रास्ता जाता है, देख सकते हैं आप। और यहाँ से जो है मंदिर लगभग 200 मीटर है और ये सुजानपुर रोड है, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ ही जो है ये मंदिर है, तो बने रहिएगा वीडियो में, जल्दी से आपके साथ अब मंदिर में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज हम आपको घुमाएंगे हमीरपुर ज़िला के प्रसिद्ध मंदिर सिंदूरी माता मंदिर, और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये अणु के पास स्थित है, और जल्दी से जो अब आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना साथी भी बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा परिसर है, और मेरे किसी मित्र ने मुझे बताया कि यहाँ पे जो है काफ़ी मशहूर मंदिर है और सिंदूरी माता के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। और हम भी आज जो है इस मंदिर में घूमने आए हैं और जल्दी से जो आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। यह मंदिर जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में है और देख सकते हैं आप, जंगल के बीचों बीच यह मंदिर है। और मैं भी आज पहली बार अपने परिवार सहित इस मंदिर में आया हूं और जल्दी से जो है आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूं। मंदिर के बाहर प्रांगण में जो है हनुमान की सुंदर मूर्ति विराजमान है, देख सकते हैं आप। मंदिर के बाहर माता के नौ रूपों के सभी रूप यहाँ पे देख सकते हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, सभी नौ रूपों के यहाँ पर मूर्तियाँ विराजमान है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, माता रानी का दरबार है और बहुत ही खूबसूरत है। हनुमान जी की मूर्ति माता के साथ विराजमान है और साथ में भैरों की मूर्ति है, और बीच में बहुत ही सुंदर माँ सिंदूरी की मूर्ति है और यहाँ पे विराजमान है, देख सकते हैं आप। एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, और परिवार सहित यहाँ पर ज़रूर आएँ। मंदिर की छत पे शानदार नकाशी की हुई है, देख सकते हैं आप, और काफी खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पे माता का मुकुट और छत्र रखा गया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक बार जरूर आए परिवार सहित और माता जी का आशीर्वाद जरूर लें।
माता के मंदिर के जो पुजारी है देव त्रिपाठी जी, आइए इनसे जानते हैं कि इस मंदिर की क्या खासियत है और लोग श्रद्धालु जो इस मंदिर में आते हैं क्या यहाँ पर भंडारे वगैरह का आयोजन होता है या कोई और होता है, तो आप प्लीज़ बताएंगे इसके बारे में। हमारा मंदिर एक कामना पूर्ण मंदिर है, जो जिस कामना लेकर जो व्यक्ति जो कामना लेकर आता है माता रानी उनकी कामना पूर्ण करती है। और हमारे मंदिर में हर मंगलवार को लंगर लगता है और जेठा मंगलवार को बड़ा भंडारा होता है जी, और जागरण होता है माता रानी का जी जी, और जनवरी में माता रानी का भव्य श्रृंगार और जागरण और अखंड भंडारा चलता है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मौका मिला तो ज़रूर हम जनवरी माह में आएंगे और उसका भी एक ब्लॉग बनाएंगे। सिंदूरी माता का मंदिर जिला हमीरपुर के अणु के साथ ही स्थित है और ये जंगल में है, देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर मंदिर है। और हमारे ब्लॉग पे आपको इसी तरह के धार्मिक मंदिरों के ब्लॉग भी मिलते रहेंगे और अपना साथ भी बनाए रखें। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना साथ भी बनाए रखें, और इस तरह के ब्लॉग जो आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।